नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 5 दिन से पार्षदों का धरना जारी, धौलपुर की प्रमुख खबर। नगर परिषद धौलपुर पर गंभीर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए पिछले 5 दिनों से पार्षदों का नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना चल रहा है। इस दौरान परिषद आयुक्त अथवा सभापति ने धरना स्थल पर पहुंचने धरने पर बैठे पार्षदों से कोई संपर्क नहीं किया है। धरनार्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह धरना जारी रहेगा। आज आक्रोशित पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति का पुतला दहन किया। धरनार्थी पार्षदों ने कहा कि अंतिम विकल्प के रूप में हम सभी लगभग 40 पार्षद परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, जिससे इस बोर्ड को भंग किया जा सके। धरना देने वाले पार्षदों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ज्ञापन देकर नगर परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक लिस्ट थमाई है तथा उन विषयों पर जांच की मांग की गई है। से निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जैसे घर में एक माँ होती है जो बच्चों का पेट भरती है फिर अपना पेट भरने की सोचती है, लेकिन सभापति महोदया ने अपना पेट भरने की सोची, हम बच्चों को तो भारी छोड़ दिया कि वो अपना पेट भर रही है। जो भ्रष्टाचार है, हमारे गली का विकास है, हमारी सड़कों का विकास है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रही है। 5 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, कम से कम कुछ तो हमारी मांगों को सुने, बाहर आके हमसे मिले, हमारी बातों को। किस बारे में वो सभापति हैं, ऐसी सभापति का हम करेंगे भी क्या जो हमारी मांगों ही को पूरा नहीं कर पा रही है। ऊपर डालेंगे ना, सभापति ध्यान दे रहा है ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। लगता है कि सबकी मिली भगत है। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो हम सबको यहाँ, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम आमरण अनशन अपना खत्म नहीं करेंगे। भूख हड़ताल हमारी समाप्त नहीं होगी किसी के साथ। धन्यवाद। और कौन बोल रहा है? प्रतिनिधि आनंद मिश्रा, वार्ड नंबर 29। आज भूख हड़ताल पर 5वां दिन है। हम सभी पार्षदगण आज जो है गुस्सा होकर आयुक्त महोदय और सभापति महोदय का पुतला हमने बुलाए। हमारी मांग पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऊपर तक शासन प्रशासन मौन अपनी चुप्पी साध कर बंद करके बैठा हुआ है। हमारी सभी से मांग है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की। मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2 से, मैंने पहली बार ऐसा वोट देखा है। सन 2000 से लेके आज तक मैं वोट का हिस्सा रहा, विभिन्न बोर्डों में रहा हूँ, कई चेयरमैन देखे, कई सभापति देखे, लेकिन इतना गंदा, इतना भ्रष्ट बोर्ड आज पहली बार हम देखे। सारे पार्षद, करीब 3540 पार्षद हैं जो हमारे साथी पार्षद हैं। करीब 5वां दिन है आज। सब जगह शिकायत की है, एसीडी में भी की है, कलेक्टर साहब से भी मिले, लेकिन आज तक कोई प्रशासन का आदमी नहीं है और ना ही सभापति की तरफ से कोई नेतृत्व करने आया, कोई नहीं आया। सब परेशान है। स्टोर में इतना भ्रष्टाचार है, 900 रुपये का सब्बल खरीदा जा रहा है। जो अपने इंदिरा रसोई जो चालू की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, कि उसमें गरीब लोग खाना खाएं, स्थिति इतनी खराब कर रखी है कि एलईडी की रेट 2 लाख रुपए पहुंच जाती है 50,000 वाली। वाटर कूलर 50,000 का आता है, 1,80,000 का जा रहा है। उसके बारे में मैंने कई बार आईडिया लगा रखी है अपनी मैसेज के माध्यम से, मैंने आशा देवी के माध्यम से, कोई जवाब नहीं आया। प्रथम अपील मैंने सभापति के लिए की, अभी तक कोई जवाब नहीं आया उन्होंने आईडिया। ऐसा भ्रष्ट वोट पहली बार देख रहा हूँ। इससे तो हम ये सोच रहे हैं कि हम 30-35 मेंबर सामूहिक इस्तीफा देकर उस बोर्ड को भंग कर दें, वो बढ़िया है। धन्यवाद साथियों। आज नगर परिषद के बाहर सभी युवा साथी, सभी पार्षदों ने आज आयुक्त महोदय का और सभापति महोदय का पुतला दहन किया है, क्योंकि ये लोग हम सभी पार्षदों के लिए एक तरह से मृत अवस्था में है। ना ही इन्होंने पार्षदों की कोई सुध ली है, ना ही पार्षदों की समस्या में अपनी भागीदारी निभाई है, ना हमारी विषय जानने की कोशिश करी कि हम किस लिए यहाँ बैठे हैं, अपने पार्षदों को क्या कष्ट है, क्या मांगे हैं, क्या तकलीफ है, इन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने सिर्फ अपनी दलाली से मतलब रखा है, इन्होंने भ्रष्टाचार से मतलब रखा है कि हमें भ्रष्टाचार कहाँ से करना है, किस प्रकार से कमीशन बढ़ाना है, किस प्रकार से कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, एडवांस में ठेकेदारों से कमीशन कैसे लेना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया है। कभी इन्होंने इस प्रकार पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे पार्षदों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वार्डों के विकास कितने। और आ जाए पीछे आ जाओ, तू ले ले फोटो एक। सभापति 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 खुशबू सिंह खुशबू सिंह भ्रष्टाचार।
बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, खुशबू सिंह मुर्दाबाद, खुशबू सिंह मुर्दाबाद, आयोग मुर्दाबाद, आयोग मुर्दाबाद, संतलाल मक्कड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संतलाल मक्कड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संतलाल मक्कड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खुशबू सिंह 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संतलाल होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भूपेन जी अरे बंद करो, बंद करो बंद करो, अरे राज्य में सर्वाधिक नामांकन के साथ गुणवत्ता में भी अव्वल रहा बाड़ी स्कूल। जिले में वाणिज्य में प्रथम और विज्ञान में द्वितीय स्थान प्राप्त। बाड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की वाणिज्य संकाय की छात्रा कनक अग्रवाल ने 90% के साथ जिले में प्रथम स्थान और विज्ञान संकाय में सचिन ने 95.80% के साथ परचम फहराया। प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार ने बताया कि विद्यालय का वाणिज्य का परीक्षा परिणाम 96% रहा है, जिसमें 12 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कृषि विज्ञान का परीक्षा परिणाम 99% रहा, जिसमें 55 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 92% रहा, जिसमें 167 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया। 11 छात्रों के द्वारा 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। परीक्षा प्रभारी सतीश अग्रवाल ने बताया कि विज्ञान वर्ग में छात्र सचिन कंसाना 95.80, सार्थक गर्ग 93.80, सिंटू कुशवा 92.80, कुलदीप 92.40, नीतेश गौड 91.66, नितिन सिंघल 91.40, विनय कुमार, गजेंद्र मीणा 90, राहुल कुमार 88.40, प्रियांशु मित्तल 87.80 एवं कृष गोयल ने 87.80% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। समस्त विद्यालय परिवार ने परीक्षा परिणाम पर खुशी जाहिर की। अच्छे प्राप्तांक वाले छात्रों का विद्यालय में प्रधानाचार्य हरिओम सिंह सिकरवार एवं स्टाफ साथियों द्वारा माल्यार्पण कर अभिनंदन किया एवं मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। स्टाफ साथियों में परीक्षा प्रभारी सतीश अग्रवाल, पुष्पेंद्र शर्मा, शिवशंकर गर्ग, राकेश कुमार शर्मा, दिलीप सिंह शर्मा, शरण बिहारी शर्मा, सुनील कुमार शुक्ला, भवर सिंह मीणा, माधव सिंह मीणा, अमर सिंह मीणा, वीरी सिंह मीणा, राजेंद्र मीणा उपस्थित रहे। वाणिज्य वर्ग में हमारे विद्यालय की छात्रा कनक अग्रवाल ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य का जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 99% रहा है। कॉमर्स का, साइंस का परीक्षा परिणाम 92% रहा है और एग्रीकल्चर का जो परीक्षा परिणाम है वो 99% रहा है। हमारे विज्ञान में 167 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य में 12 छात्रों के द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान में 55 छात्रों के द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। आज विद्यालय प्रवान ने टॉपर्स छात्रों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में बुला करके उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और इस अवसर पर विद्यालय प्रवान ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, शुभकामनाएँ दी, बच्चों को आशीर्वाद दिया और मिठाई बांट करके खुशी जाहिर की। और आगे भी हम आशा करते हैं और भरोसा दिलाते हैं अभिभावकों को कि हमारा परीक्षा परिणाम पुनः इसी प्रकार से आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपना नाम बोलूं? मैं देवेश वर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी से। मैं कॉमर्स फैकल्टी का छात्र हूं। हमारे कॉमर्स फैकल्टी में हमारा परीक्षा परिणाम बहुत बेहतरीन रहा है। हमारे गुरुजनों ने लगातार कक्षाएं ली तथा हमें अच्छे से मतलब पढ़ाया, जिसके कारण हमारे कॉमर्स फैकल्टी, हमारे साइंस, हमारे एग्रीकल्चर सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तथा जिले में बहुत अच्छा हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहा। प्रिंसिपल साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब ने विद्यालय के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे विद्यालय को एक अच्छा अनुशासनशील विद्यालय बनाने में बहुत प्रयास किया है।
धन्यवाद। और तुम्हें एक बात जोड़ना है इसमें, विज्ञान वर्ग की जो भी बैठ दे रहे हो ना विज्ञान वर्ग में, सुमित कुमार है, एक मिनट हाँ बताएं। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं कक्षा 12th का मैथ का छात्र हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय से 164 विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और हमें मैं अपने पूरे गुरुजनों को बधाई देना चाहता हूँ। बाड़ी से फिरोजाबाद बस दोबारा शुरू होने से यात्रियों को मिली भारी सहूलियत, धौलपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। बाड़ी के लोगों के लिए धौलपुर आगार से मिली खुशखबर। बाड़ी से फिरोजाबाद की रोडवेज बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। धौलपुर रोडवेज बस स्टैंड प्रभारी लाखन सिंह त्यागी एवं बाड़ी बस स्टैंड प्रभारी राम दुलारी शर्मा ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम धौलपुर आगार से रोडवेज बस प्रातः 4:45 पर प्रस्थान कर 5:30 पर बाड़ी पहुंचेगी तथा बाड़ी से फिरोजाबाद को यह बस सेवा प्रातः 6 से प्रारंभ होकर बाया कंचनपुर सेंपऊ बसई नवाब खेरागढ़ आगरा होते हुए 10:30 पर फिरोजाबाद पहुंचेगी। रोडवेज बस 11 फिरोजाबाद से वापस होकर बाया आगरा सैया मनिया होकर दोपहर 2 धौलपुर पहुंचेगी। कोरोना काल में बंद कर दी गई फिरोजाबाद की बस सेवा को पुनः प्रारंभ किए जाने से कस्बा निवासियों में खुशी की लहर है। बाड़ी से फिरोजाबाद कोरोना काल के टाइम में बंद हो गई थी, उसके बाद में अब उसको पुनः चालू कर दिया है। बाड़ी से 6 का टाइम, बाड़ी से 6 चल करके और लगभग 10:30 पहुँच जाएगी फिरोजाबाद। तो मैं जो बाड़ी से फिरोजाबाद जाने वाली सवारियों से अनुरोध करता हूँ कि पुरानी गाड़ी आपकी है और उसी गाड़ी को मैं आए और हमारा यात्रा बढ़े और गाड़ी बराबर चलती रहे। ममोधन में ग्राम पंचायत की सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा किया जा रहा है अतिक्रमण का प्रयास, बसेड़ी की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र की ममोधन ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की सरकारी बेशकीमती जमीन खाता संख्या 242 पर दबंग अतिक्रमणकारी द्वारा पक्का बाउंड्री वॉल निर्माण करवाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण शीलेंद्र परमार ने बताया कि अगले सरपंच चुनाव में वोटों का गणित न बिगड़ जाए, इसीलिए ग्राम पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण का मामला जानकारी में होने के बावजूद निर्माण कार्य को रुकवाने हेतु कोई नोटिस प्रदान करके अतिक्रमण रुकवाने का प्रयास नहीं किया गया। इस कारण अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं खाता 242 पर कई सरकारी प्रोजेक्ट, पेयजल टंकी व पशु चिकित्सालय, बिल्डिंग निर्माण हेतु पूर्व में भूमि चिन्हित की जा चुकी है, उसके बावजूद ग्राम पंचायत प्रशासन ये सब कुछ आंख बंद करके मौन साधकर देख रहा है। श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष कोमल सिंह परमार ने बताया कि उनके द्वारा 3 पूर्व अतिक्रमण की शिकायत पर तत्कालीन बसेड़ी तहसीलदार अलका श्रीवास्तव द्वारा मौका मुआयना करते समय को निर्माण न करने और तत्कालीन सरपंच धीरेन्द्र परमार को अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के मौखिक निर्देश प्रदान किए गए थे, लेकिन तहसीलदार का स्थानांतरण होने के कारण पुनः अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद हो गए, इसीलिए वर्तमान में मौके पर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। शीलेंद्र सिंह किस गांव के निवासी हैं? ममोधन। क्या मामला है? मामला ये है कि ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर सरपंच द्वारा अपने लोगों पर पक्के निर्माण पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अपने लोगों द्वारा पक्की बिल्डिंग बनवाई जा रही है, जिसका खसरा नंबर क्या है? इसका खसरा नंबर 242। ठीक। नाम साहब? श्रीकांत शर्मा, ममोधन। अच्छा, क्या मामला है? ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर सरपंच द्वारा अपने लोगों को पक्के निर्माण पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर कब्जा करवा रहा है। अच्छा, जिसका खसरा नंबर क्या है? 242 है। अवैध मकान और बनाए जा रहे हैं उसमें सरपंच द्वारा। ठीक, बोलो।
क्या क्या नाम है? कोमल सिंह परमार। कौन से गांव के निवासी हो? ग्राम पंचायत ममोदन। अच्छा, क्या मामला है? मामला क्या है, एक तो डॉक्टर साहब रहते हैं पशुओं के हमारे यहाँ, सरपंच द्वारा उनको लेटर दिया गया खाली कर। अच्छा, जो ग्राम पंचायत की अतिक्रमण भूमि है उन पर पक्के निर्माण कराए जा रहे हैं, उनको कोई तो ना तो कोई रोकाबंदी है ना कोई कुछ कहते हैं सरपंच, उनकी सरपंच के खास लोग है वो उन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा, जिसका खसरा नंबर क्या है? 242। अच्छा, मतलब झूठ बोल के एसडीएम साहब को इसको आकर इनकी इंक्वायरी करें, देखभाल करें। ठीक। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत चार अपराधी गिरफ्तार, कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपूर्ण जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ कार्रवाई करते हुए 4 साल से फरार 2000 के इनामी अपराधी राजवीर को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना अधिकारी हेमराज शर्मा के साथ गजन सिंह, एएसआई केदार सिंह, हेड कांस्टेबल राम निवास, सोनवीर सिंह, पूरणमल, उमेश कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। यातायात पुलिस टीम की सजगता से चोरी की बाइक के साथ 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में धौलपुर पुलिस वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। आज यातायात प्रभारी मंगतू राम के नेतृत्व में यातायात पुलिस टीम रोडवेज बस स्टैंड के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बिना नंबरी मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस टीम को देख भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर हेड कांस्टेबल दीनदयाल, कांस्टेबल जितेंद्र, राजवीर, भूपेंद्र ने उन्हें तत्परता से बाइक सहित धर दबोचा। दोनों आरोपियों सचिन पुत्र रामवीर व रामू पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी गण रामबल की घड़ी थाना इरादत नगर जिला आगरा उत्तर प्रदेश से बाइक के कागज आदि के संबंध में पूछताछ की गई तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा बाइक के चेसिस नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की गई तो उक्त बिना नंबरी बाइक की चोरी की FIR 748/2023 फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना पर दर्ज होना पाया गया। कड़ाई से पूछताछ में बाइक चोरी करना स्वीकार किया, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए बाइक एवं दोनों आरोपियों को निहालगंज पुलिस को सुपुर्द किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। भैरव सिंह शेखावत के जीवन से कार्यकर्ता प्रेरणा लें, श्रवण कुमार वर्मा, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 19 मई 2023 को पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी समारोह की श्रृंखला में भाजपा की ओर से उनके जीवन पर फोटो प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा एवं कार्यक्रम संयोजक दुष्यंत बघेला ने भैरव सिंह शेखावत के चित्र पर माला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने जनसंघ की स्थापना से लेकर भाजपा की स्थापना में संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई और वे देश के 11वें उपराष्ट्रपति के पद तक पहुँचने वाले व्यक्ति रहे। प्रदर्शनी में शेखावत के जीवन से जुड़ी फोटो लगाई गई। फोटो में उनके जीवन से जुड़ी राजनीतिक व सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम संयोजक दुष्यंत बघेला ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा, इनसे हम सभी को प्रेरणा लेकर देश व समाज हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबरदयाल शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिनिवास प्रधान, सह संयोजक विनय परमार, विजय त्यागी एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मरेना मंडल अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, आईटी प्रभारी हरेंद्र राव, सोशल मीडिया प्रभारी ऋतिक वर्मा, महिला मोर्चा संयोजक शशि त्यागी, जिला महामंत्री महिला मोर्चा कल्पना शर्मा, नव मतदाता संयोजक पंकज शर्मा, जाटौली मंडल संयोजक
प्रदीप सिसोदिया, कार्यालय प्रभारी ब्रजमोहन शर्मा, बहादुर सिंह लोधा एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री से मिलने के बावजूद भी खाली हाथ निराश लौटे तृतीय श्रेणी शिक्षक, जयपुर धौलपुर की प्रमुख खबर। तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर कुछ भी सकारात्मक नहीं कहा, बल्कि वही पुरानी पॉलिसी बनाने का बहाना बनाया, जिसको लेकर राजस्थान के कोने कोने से आए तृतीय श्रेणी अध्यापकों में स्थानांतरण को लेकर निराशा हाथ लगी। मुख्यमंत्री से मिलने जाते समय जो ऊर्जा अध्यापकों में थी, वह ऊर्जा मिलने के बाद खत्म हो गई। अब नए सिरे से शिक्षक संघ एकीकृत तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण को लेकर मई के अंतिम सप्ताह में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रंजीत मीणा ने कहा कि इस तरह शिक्षकों को धोखे से बुलाकर उनको निराशा देना बहुत गलत है, संगठन इसकी निंदा करता है। वीवीएन ब्यूरो के लिए कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खेड़ा में प्रशासन, गांव के संघ एवं राहत शिविर का हुआ आयोजन। सरानी खेड़ा धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 19 मई को ग्राम पंचायत खेड़ा में प्रशासन, गांव के संघ एवं महंगाई राहत कैंप का आयोजन राम सेवक गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानी खेड़ा में किया गया। इस कैंप में 23 विभागों ने अपनी सहभागिता निभाई। महंगाई राहत कैंप के अंदर लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। शिविर में एसडीएम धौलपुर अनूप सिंह एवं विकास अधिकारी राजकुमार वर्मा, महिला एवं बाल विकास अधिकारी भूपेश गर्ग, तहसीलदार धर्म सिंह, रसद निरीक्षक समीक्षा दिनकर मौजूद रहे एवं सरपंच प्रतिनिधि बबलू सिंह तथा सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे। कैंप का आयोजन कल भी किया जाएगा। वीवीएन ब्यूरो के लिए उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। शहर के बालिका विद्यालय का शानदार परीक्षा परिणाम, बाड़ी की प्रमुख खबर। विज्ञान वर्ग में 111 में से 110 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई, जिनमें 11 बालिकाओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। अंजलि गर्ग ने 95.7% अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया। बालिका विद्यालय का रिजल्ट 99.9% रहने पर विद्यालय परिवार ने मिठाई खिलाकर सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने पर बालिकाओं को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य विनोद शर्मा, सीबीईओ दाऊदयाल शर्मा ने इस शानदार सफलता पर बालिकाओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए राजू शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो अभी विज्ञान संकाय का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें हमारे यहाँ अंजलि गर्ग ने 95.60 अंक प्राप्त कर जिले में छात्रा वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए वह छात्रा, उसके परिवारिजन बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही जो मेरा एक टारगेट था, मुझे अनुमान था कि मुझे 12वीं क्लास के रिजल्ट में कला मतलब साइंस वर्ग में कम से कम 90-10 बच्चे चाहिए, तो मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला। 11 बच्चियों ने 90 प्लस विद्यालय से पास किया है। ये उनकी मेहनत का, गुरुजनों की मेहनत का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। विद्यालय में नियमित कक्षाएं जो बच्चियों ने जॉन की हैं, उनको ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। अगर नियमित नहीं आएंगे, चाहे वो कोचिंग पढ़ें या कहीं पढ़ें, ये उपलब्धि नहीं मिल सकती। विद्यालय में आना, विद्यालय में नियमित आकर के गुरुजनों के सान्निध्य।
हमारे बाड़ी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय बाड़ी में विज्ञान संकाय में जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम आया है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे कहते हुए गर्व है कि जो लोग ये कहते थे कि निजी विद्यालय में अच्छा शिक्षण होता है, मैं ये गर्व के साथ कहता हूँ कि राजकीय विद्यालय निजी विद्यालयों से बहुत आगे निकल चुके हैं और अभिभावकगण राजकीय विद्यालयों में अपने बच्चों का प्रवेश करें। यहाँ बच्चियों की एक लंबी कतार है जिन्होंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है और 95%+ दे करके ज़िले में नाम रोशन किया, जिला टॉप किया है। यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रधानाचार्य, बालिकाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समस्त बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसी तरह से प्रगति करती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर कोई आंकड़े नहीं रखता, अगर इस बच्ची ने 100 किए तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगर इसके 98 भी होते, इसके 90 भी होते तो मुझको उतनी ही खुशी होती जितनी आज होती, क्योंकि इन बच्चों में एक पढ़ने की जो ललक और जो आदत आ गई है वो इनको बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे ले जाएगी। और बच्चों से फिर भी हमेशा ये कहता हूँ, नंबर के पीछे भागने की बजाय हमेशा अपनी समझ पैदा करो और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, वो दुनिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और वही मैं इस बच्ची से भी चाहता हूँ, अपनी मेरी और भी बच्चियाँ, हिमांशा है, तृप्ति है, सब सारी बच्चियाँ, पूजा है, वंदना मीणा है, इन्होंने इतनी मेहनत की है, आयुषी है, इतनी मेहनत की जिसका कोई तोड़ नहीं है, शिवानी गोस्वामी। ये मैं क्लास 12th में हूँ, अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है जिसमें मेरी 95.60% बनी है और मैं यहाँ बाड़ी की रहने वाली हूँ। और मैं अपना श्रेय सबसे पहले तो अपने गुरुओं को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह से पढ़ाया, इतना सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और उसके बाद अपने माँ बाप को देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज वक्त दिन हो या रात हमेशा मेरी देखभाल की, हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया। और फिर एक तरीके से खुद को भी देना चाहती हूँ, सेल्फ स्टडी, खुद की कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं लगातार, खुद के साथ ईमानदार होना पड़ता है। औचक निरीक्षण में रेलवे स्टेशनों पर अनेक अनियमितताएं पकड़ी, टूंडला अलीगढ़ की प्रमुख खबर। उप मुख्य यातायात प्रबंधक टूंडला के निर्देशन में सहायक यातायात प्रबंधक आर के शर्मा के नेतृत्व में अलीगढ़ एवं टूंडला जंक्शनों का औचक निरीक्षण किया गया। सहायक यातायात प्रबंधक आर के शर्मा ने बताया कि इस दौरान प्लेटफॉर्म 1 से 7 तक अनियमित वेंडर, गलत तरीके से खानपान, मेडिकल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ निर्धारित प्लेटफॉर्म की वेंडिंग न करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर करते हुए पाए गए तथा बिना गले में आई कार्ड के सामान बेचते पाए गए। आर के शर्मा ने बताया कि इस विशेष अभियान में गाड़ी संख्या 12312 के पेंट्री कार में से 145 अवैध पानी की बोतल एवं गाड़ी संख्या 12488 के S6 कोच में से 72 अवैध पानी की बोतल जब्त कर LPO में जमा की गई तथा गाड़ी संख्या 12312 में से 1.5 क्विंटल बिना बुक किया हुआ लगेज पकड़ा, जिससे कुल 985 रुपए चार्ज किया गया। इस विशेष अभियान में कुल 20,970 का जुर्माना वसूल किया गया। ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर में स्काउट गाइड के अभिरुचि प्रशिक्षण को रजिस्ट्रेशन, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड धौलपुर के तत्वाधान में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में ग्रीष्मकालीन कौशल विकास शिविर शुभारंभ को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। CEO स्काउट गजेंद्र त्यागी एवं प्रभारी सचिव जिला मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि स्काउट हमेशा सेवाभावी होता है। इस कौशल विकास शिविर के माध्यम से आप भी अपने कौशल का विकास कर सेवा कार्य में तत्पर रहें। कुल 64 कलाएं होती हैं, उनमें से पढ़ना व लिखना मात्र एक कला है। इस प्रकार के शिविर के माध्यम से इन कलाओं को हासिल किया जा सकता है। शिविर के उद्देश्यों के बारे में सभी छात्र छात्राओं को अवगत करवाया। शिविर में जिन जिन विषयों में अभिरुचि प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना सहित कंप्यूटर सीखने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान CEO स्काउट गजेंद्र त्यागी, सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्रभारी मनोज कुमार, जिला सचिव स्काउट मनोज कुमार शर्मा, व्याख्याता हरपुल सहित अन्य मौजूद रहे।